अगली बार जब आप छुट्टियों के लिए ट्रेन का सफर करेंगे या फिर घर जाने के लिए रेल में सवार होंगे तो आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। दरअसल रेलवे अब स्पेशल ट्रेन की योजना को पीछे छोड़कर अपनी सेवाओं को फिर से प्री कोविड स्तर पर लाने के लिए तैयार है। रेलवे ने अपने पूरे नेटवर्क को एक लेटर भेजकर ये बताया है कि अब सभी ट्रेनें पहले की तरह अपने नंबर और प्री कोविड किराए के हिसाब से चलेंगी। कोरोना अटैक के बाद रेलवे ने अपनी सभी सामान्य सेवाओं को बंद कर दिया था। इनकी जगह पर रेलवे ने कुछ दिनों के गैप के बाद स्पेशल ट्रेन और हॉलीडे स्पेशल के नाम से ट्रेनों को चलाना शुरू किया था और इनके टिकट के लिए सामान्य के मुकाबले ज्यादा दाम वसूले जा रहे थे। अब रेल सेवा के फिर से सामान्य होने के बाद अनुमान है कि रेल टिकट में 15% तक की कटौती की जाएगी। हालांकि रेलवे के लिए कोविड मुश्किल समय रहा है और इसके मुनाफे पर महामारी ने जबरदस्त चोट की है, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही रेल यात्रियों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। इसके असर से अप्रैल सितंबर के दौरान 118 करोड़ यात्रियों ने ट्रेन में सफर किया, जबकि अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान महज 7 करोड़ लोगों ने ही ट्रेन में सफर किया था। लेकिन अप्रैल सितंबर 2019 के 417 करोड़ रेल यात्रियों के मुकाबले यह आंकड़ा अभी भी काफी कम है। रेल यात्रियों की तादाद में आई इस कमी से रेलवे के रेवेन्यू पर भी जबरदस्त असर हुआ है। अप्रैल सितंबर के दौरान रेलवे को करीब 15,500 करोड़ की आमदनी हुई, जबकि अप्रैल सितंबर 2020 में रेलवे का रेवेन्यू महज 1,250 करोड़ था। वहीं अप्रैल सितंबर 2019 में रेलवे को 26,500 करोड़ से ज्यादा की आमदनी हुई थी। अब इस नए आदेश के बाद 1700 ट्रेन फिर से सामान्य तरीके से चलने लगेंगी, लेकिन अभी भी रेलवे यात्रियों को तैयार खाना नहीं देगा। साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट भी महंगा मिलता रहेगा, जिससे रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।